बिहार दिवस में शामिल होने पटना आए कई बच्चे बीमार पड़ गए हैं। जानकारी के अनुसार 11 बच्चों का इलाज अभी पटना के पीएमसीएच में चल रहा है, जबकि अन्य बच्चों का इलाज गांधी मैदान स्थित स्वास्थ्य शिविर में कराया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इन सभी बच्चों ने सरकारी खाना खाया था, जिसके बाद से अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। आपको बता दें कि अब इस मुद्दे पर सियासी पारा भी चढ़ने लगा है और सरकार के इंतजामात पर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जरा आप भी देखिए, वो क्या खा रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है, इसका कोई ध्यान नहीं रखा। अभी तो इतनी बड़ी संख्या, बच्चे कैसे बीमार हो जाएंगे? एकाध बच्चे बीमार हो तो बात समझ में आती, और अगर बच्चे बीमार हो रहे हैं तो फिर इसके लिए जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। किस विभाग की ड्यूटी थी खाने पीने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके देखभाल के लिए, इसमें जवाबदेही अगर तय नहीं करेंगे तो बात फिर आई गई हो जाएगी कि भाई आपने पीएमसीएच रेफर कर दिया। रेफर करने से क्या होता, बच्चे बीमार क्यों पड़े? इतने बड़े आयोजन में भी अगर लापरवाही बरती जा रही है, कई और प्रकार की लापरवाही हुई है। कल ही हमने विधान परिषद के सभापति के संबंध में उठाया था कि उनके लिए सीट तक का भी आवंटन नहीं करके रखा गया था। इतना लाइटली इन चीज़ों को बिहार सरकार के लोग लेते हैं, जो महत्व का विषय होता है, महत्व का आयोजन होता है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को ऐसे मामलों में जवाबदेही तय करनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने अपना दायित्व का निर्वहन ठीक से नहीं किया, लापरवाही बरती। मुझे मीडिया के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि कुछ बच्चे बीमार हैं। यदि कुछ बच्चे बीमार हैं, सरकार ने भी कहा है कि हमने संज्ञान में लिया है, लेकिन मेरा मानना है जिन लोगों के कारण ये काम हुआ है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने हैं, बच्चे बिहार के हैं। देखिए, बिहार दिवस में बिहार के 29 जिला से छात्रों को यहाँ बुलाया गया है और उन छात्रों के लिए कोई व्यवस्था बिहार सरकार ने नहीं किया। दूषित पानी और खाना का जो गुणवत्ता है घटिया स्तर का, जिससे सैकड़ों छात्र बीमार पड़ गए हैं। छात्रों के नाम पर और बिहार दिवस के नाम पर सरकारी खजाने का जिस तरीके से लूट मचा है, यह स्पष्ट है कि इसमें भ्रष्टाचार है। नहीं तो सैकड़ों छात्रों की तबीयत एक साथ कैसे बिगड़ सकती है? और देखिए, पटना का टेम्परेचर अभी 40 डिग्री पहुंचा हुआ है, धूप में बच्चों को खड़ा किया जा रहा है, न पानी पीने की व्यवस्था है, न बैठने की व्यवस्था है, न सोने की व्यवस्था है, और खाना भी दूषित हो तो अभिभावक तो परेशान हो गए हैं। बिहार सरकार अपनी पीठ थपथपाने के लिए बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है। इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी अफसर इसमें दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। पटना से राजेश कुमार झा की रिपोर्ट, बिहार तक।